अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। आशीष मिश्रा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे। आशीष ने अपने पिता के साथ राजनीति सीखना शुरू किया और लखीमपुर में अपने पिता का व्यवसाय करते हैं। आशीष परिवार के पेट्रोल पंप और राइस मिल की भी देखभाल करते हैं। आशीष ने 2017 में किया था विधायक का टिकट, 2012 में जीतने वाले अजय मिश्रा पर विश्वास व्यक्त करते हुए भाजपा के केंद्र नेतृत्व ने उन्हें लखीमपुर से 2014 के लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। बाद में 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अजय मिश्रा ने अपने बेटे आशीष मिश्रा के लिए भी टिकट मांगा, लेकिन बात नहीं बनी। हालांकि टिकट न मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा निघासन इलाके में सक्रिय रहे। 2017 में भले ही आशीष को टिकट नहीं मिला, लेकिन 2019 में अजय मिश्रा टेनी को एक बार फिर लोकसभा का टिकट मिला और एक बार फिर जीत दर्ज की। जुलाई 2021 में अजय मिश्रा को कैबिनेट फेरबदल के बाद पीएम मोदी की सरकार में शामिल किया गया और उन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया। लखीमपुर खेरी में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की मौत के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर अपनी कार से किसानों को कुचलने का आरोप है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर इसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।